सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल जमाना बड़ा खराब हो गया है। हर जगह नारी सशक्तिकरण का एक कैंप चल रहा है, अभियान चल रहा है कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा करने के तरीके बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तरीके नहीं, यहाँ पे प्रहार करना बताया जाएगा। क्योंकि सुरक्षा तो कर लोगे, लेकिन अब सुरक्षा करने के बाद उसको प्रहार करके आप कैसे भागोगे। तो सबसे पहले ये नियम है कि आप जब इसमें अपनी सुरक्षा करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। प्रोटेक्ट क्या करना है, सुरक्षा करना अपनी आप की। सुरक्षा करने के बाद फिर क्या करना है, अरे कैसे भाग जाओगे, उसको हिट करोगे। जब वो चोटी लोगे तभी तो आप छूटोगे, है ना। तो उसको आपको हिट करना और फिर क्या करना है, भागना है। क्योंकि अब आपको वहाँ रुकना नहीं है, नहीं कि आपको दिखाने लगो ताकत दिखाने लगो, मारने लगो उसको, तो वो नहीं आपको करना है। आपको अपनी जान बचानी है और आपको वहाँ से भाग जाना है। और भागने के बाद हमने देखा है आजकल बहुत सारे अभियान में, यूट्यूब में भी हमने देखा है कि वहाँ पे ये नहीं बताते भागने के बाद क्या करना है। तो चार पॉइंट नोट कर लो, चार नियम होने चाहिए, प्रोटेक्ट, हिट, रन एंड शाउट। चिल्ला के भागना है। मान लीजिए आपका घर दूर है, आप जंगल में कहीं किनारे फंसे हुए हैं और आप भाग रहे हैं, तो जो अगला होगा वो भी ठीक होगा तो आपको पकड़ लेगा ना। और दोबारा जब पकड़ लेगा तो आपको वो मौका नहीं देगा बचने के लिए, पास नहीं आ जाओ। तो क्या करोगे, तुम्हें भागना है और भागते हुए भागना है। सत्यम पास करो। तो क्या पहला क्या करना है, प्रोटेक्ट। क्या करना पहले, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना है। दूसरा हिट करना है, उसको चोट पहुंचाना है। तीसरा क्या है, दौड़ना है। और चौथा क्या है, चिल्लाना। दौड़ने के साथ आपको चिल्ला के भागना है। क्या चिल्लाओगे, ये करना है, ठीक है ना। मुंह बंद करके नहीं भागना है, क्योंकि गूंगी सेना भी युद्ध में नहीं टिक पाती है। तो गूंगी सेना की जगह आपको चिल्ला के लड़ाई करनी है, चिल्ला के भागना है। तो अब हम बताते हैं, जैसे आपको कोई हाथ पकड़ता है, जैसे ये हाथ पकड़ना है, तो अब आपको ये नहीं खींचना है, छोड़ दे। वो क्यों छोड़ने वाला, वो तो पकड़ने के लिए पकड़ा है ना, तो छोड़ देगा तुम्हारे कहने पे, ये भैया लग रहा है, बड़ा उम्र है, छोड़ दे, ऐसा वो कुछ नहीं करेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पकड़ रहा है तो आपको ये जो नाखून है ना, आपके इस नाखून के ऊपर आपको ऐसे दबा देना है, ये खुद छोड़ देगा। देखो छोड़ दिया ना, आपको ये करना है। दूसरा तरीका क्या है, हाथ पकड़ा, मान लीजिए ये दिमाग आपके काम नहीं आया, आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना। आपको आप उसकी ये कलाई के ऊपर आपको ऐसे मारना है, अपने मार के देखो कितने लगेगा, मार के देखो, लग रहा है ना। तो जब ये बंदा पकड़ेगा तो ये भी इंसानी है, ये कोई लोहा तो है नहीं, रोबोट तो है नहीं, इसको लगेगा नहीं, लगेगा ना। तो क्या करना, आपको ये करना है और आपको ऐसे मार देना है, है ना, लगी नहीं लगी, है ना। अच्छा, हमने इसको देखो धीरे से मारा तब इसको लगी है, और आपको प्रहार करके मारने तब उसकी हालत क्या होगी, पतली हो जाएगी ना, दोबारा पकड़ेगा नहीं। अब एक तरीका और है, ये जैसे ये भी काम नहीं कर रहा है, अब ये खींच रहा है, आप उसके हाथ नहीं पकड़ पा रहे मारने के लिए, ठीक है, क्या करना है, आप खींच जाओ उसकी तरफ, ठीक है। हमने बताया आपके जो नाजुक अंग जो होते हैं, आंख होती है, नाक होती है, मुंह होता है, ये होता है, और कमर के नीचे होता है ना। तो आपको क्या करना है, ये खींचते जाओ और मार दो, प्रणाम से हाथ मार दो। आप अगर हाथ मार दोगे तो अगला आदमी बैठ जाएगा और आपको भाग लेना, और फिर वो बैठ गया तो और मर ले, 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 ले आपको और ताकत नहीं दिखानी है। देखिए आपको अपनी सुरक्षा करनी है, ठीक है ना, क्या करना है, अच्छा करनी है। तो बस आप उसको चोट दीजिए और फिर अपना भागना चिल्लाते हुए भागना स्टार्ट कर दीजिए। और एक तरीका और है, जिसने हाथ पकड़ा कुछ नहीं करना, हाथ नहीं करना, और इसके ये पैर इधर आओ, ये पैर जो है, ये जो घुटना होता है ना, घुटने पे आप इसके पैर मार दोगे तो ये बैठ जाएगा, क्योंकि घुटना अपोजिट जब मुड़ता है तो बहुत पैर टूटने की संभावना रहती है। तो जितनी ताकत हो उतना मार दो इसके पैर फड़ाक से, ये खुद बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया। और यदि आपके कंधे में ये हाथ पकड़ता है या बाल पकड़ता है, मान लो कंधे में इसने हाथ रखो, हाथ ये किया, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, आपको सतर्क रहना है। मान लीजिए ये आ रहा है हाथ से, आओ, तो आपको ये कर देना है, रखो हाथ जोर से, रखो ना, ये कर देना है ना, रखो हाथ, ये कर देना, मार देना इसके मुंह में भाग, ठीक है, या ऐसे मार दो, पंच मार दो, जैसे मैरी कॉम नहीं तो पंच मारती है, तो वैसे तो मार दो भ्राम से, मुंह पे नाक में, जहाँ पे जो मिले वहाँ पे जोर से मार दो, वो क्या होगा, अगला बैठ जाएगा। अब मान लीजिए कंधा पकड़ लिया, आप कुछ नहीं कर पाए, कंधा पकड़ो, किसे कंधा पकड़ लिया, अब ये खींच रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करना है, ये जो हमारे ना हमने बताया था ये पॉइंट, आपको इसके नीचे मार देना है, ये बोन्स होती है, नीचे हड्डी होती है, जब ये हड्डी टकराएगी तो बहुत तेज पेन होगा, देखो मारेंगे नहीं हम,
ऐसे मारेंगे तो देखो इसकी हालत पतली हो गई है ना, ये धीरे से मारने में इसकी ये हालत है। जब जोर से आप मारोगे सोचो कितना लगेगा। आप लोग कहते नहीं ये अबला नारी को बचाना है, आज अभियान चलते अबला नारी को हमें सुरक्षा करना है। अबला नारी नहीं कहते उसको, वो एक ऐसी बला बनो कि यदि आपको वो छेड़ रहा है तो इतनी बला बन के जाओ कि वो दोबारा छेड़ने की हिम्मत ना करे। तो आप वो बला बनो, अबला ना बनो, वो बला बनो कि वो दोबारा छेड़ने की हिम्मत ना करे। ठीक है, अब मान लीजिए इसने आपका बाल पकड़ लिया, बाल पकड़ो, ये मान लो इसने बाल पकड़ लिया, क्योंकि लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, बाल की होती है, बाल बड़े होते हैं। अब बाल तो नहीं कि मुंडन करा के हम चल दें, बाल कटवा दें, कुछ नहीं करना ना। मान लो इसने बाल पकड़ लिया हमारे, अब इसने बाल पकड़ लिया तो कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है, या तो आपके बीच से यहाँ मार देना है, ठीक है, इसको जोर से मार दोगे तो बहुत तेज लगेगा यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे हो, बाल पकड़ा इसने, देखो इसके आँख में मार दो, उंगली फूंक दो, अगर इसकी उंगली आप आंख में मार दोगे तो वो भी आंख लगे बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, बाल पकड़ा है कुछ नहीं करना, पास में जाकर फिर मार देना बड़ा से, अगर मार दोगे तो वो आप फिर बैठ जाएगा, और दोबारा फिर वो लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं कि नहीं, अगर तुम उधर जा रहे हो तो पहले भागने लगेगा, ऐसे ऐसे करने, ठीक है ना। ये करना है, ये देखिए हमें क्या करना है, देखिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, 1090 भी बनाया है लड़की सुरक्षा के लिए, 100 नंबर एक कॉमन नंबर है वो भी बनाया, लेकिन उस समय अगर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उस समय आपके पास पुलिस नहीं आ सकती है, सुरक्षा कर्मी नहीं आ सकती है, उसके लिए आपको अपनी सुरक्षा पहले खुद करनी है ना। तो अपनी सुरक्षा तभी करोगे जब आपको आता होगा। अब आजकल हम क्या देखते हैं कैंपों में, उनको जूडो कराटा सिखाते, ये सिखाते हैं ना, तो ये तब काम आएगा जब वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हर लड़की जूडो नहीं सीख सकती है, और उस समय समस्या आने पे वो जूडो कराटा दिमाग काम भी नहीं करता है, है ना। तो ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, ये जो हमने तरीके बताए हैं आपको ये अप्लाई करना है, और अपनी जान बचानी है। फिर आपको जूडो नहीं कि हमको सरजी ने जूडो सिखाया तो हम जूडो उसके साथ लड़ने लगे, जूडो बिल्कुल नहीं लड़ना है। आपको क्या करना है, अपनी सुरक्षा करनी है, उसको हिट करना है, भागना है, और स्वर करते हुए भागना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसने आपको पैर मारा, तो क्या करना है, आपको सामने नहीं मारना है, सामने नहीं लेना है, क्योंकि सामने पसलियाँ होती हैं, पसलियों में लगा तो आप खुद बैठ जाओगे, चोटिल हो जाओगे। आपको करना है कमर पीट कर देना है, जो चोट होगी पीठ में आपके लगेगी तो बहुत कम प्रहार करेगा। तो जैसे देखो पैर मारो, ये ऐसे पकड़ लिया, अब क्या करना है, इसको ये पकड़ के और ये पैर पकड़ के इसको गिरा सकते हैं, ठीक है ना, आराम से गिर जाएगा। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये है, फिर पैर मार, ये कर दिया, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ो और ये करो तो गिरा दो, तुरंत गिर जाएगा, ये करना है, ठीक है ना, समझ में आ गया। मान लीजिए ये आपका हाथ पकड़ लिया, पीछे से पकड़ लिया, या आपकी कमर पकड़ने जा रहा, कमर पकड़ो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कर देना है, पकड़ो, ये कर देना है, ये जो आप मारोगे ना हड्डी, यहाँ पे जब लगेगा ना बहुत तेज लगता है, पकड़ो कमर, जोर से पकड़ो ना, डर क्यों नहीं, मार, हाँ मान लो हम लड़की हैं, पकड़ो पकड़ो जोर से, जोर पकड़ो कमर, ये मार देना है इसको, ठीक है। अब ये आपको गला पकड़ने आ रहा है, मान लो आप रोते नहीं, गला दबा देंगे ऐसे करके, हमें कुछ नहीं करना, गला पकड़ो, मारा, ये कर देना है ऐसे, ठीक है, पकड़ो गला, जोर से पकड़ो ना, ये कर देना है, पकड़ो, ये कर देना है, ठीक है। और जैसे ही मुड़ेगा पीछे तो मार देना, अपने आप वो गिर जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास है, आगे चल के आगे हम फिर बताएंगे और कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चार शर्तें आपके पास लागू होती हैं। पहली शर्त है अपनी सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, क्या करना, दूसरा हिट करना, हिट मतलब मारना, तीसरा रन दौड़ना, चौथा क्या है, चिल्लाना। ये चौथा पॉइंट कोई नहीं बता रहा है, सब बताते हैं अपनी सुरक्षा करिए, उसको मारिए और भागिए। मान लीजिए घर दूर है तो क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा ना, तो आप चिल्ला के भागो तो आसपास कोई ना कोई तो सुन लेगा ना। तो ये चौथा पॉइंट भी आप लोग ऐड करिए, हिट प्रोटेक्ट, हिट रन और शाउट, चिल्लाना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतनी क्लास आपके लिए पर्याप्त है, ओके, मन करो।